पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अरे माही जो मुझे इतनी बुरी लगती थी, गुड जॉब। चलो मैं जब तक देखती हूँ आप अपना यूनिफॉर्म रेडी करें, ठीक है? माय नेम इज मीरा, माय फादर्स नेम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अल्लाह, शॉपिंग पे गई थी? नहीं, मजबूरन जाना पड़ा, मेरे पाँव में इतनी दर्द है। ये दिखाऊँ आपको? ये देख, रियली नाइस। ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। है भी। रियली नाइस। वाओ, तुमने लिया? आपको ये वाला पसंद आया? बहुत अच्छे हैं। आपके लिए लिया था, मेरा और आपका जूते का साइज सेम ही है ना? लेना तो एक ही जूता था, लेकिन बाकी सब जबरदस्ती लेती है। वो इसने वो इस तरह ये सब तुम्हें मुझ से पिलाया? अच्छा, तुम खाना की तरफ गई थी, बताया क्यों नहीं? तौबा करें, खाला मुझे मुइज़ के साथ शॉपिंग पे जाने ही ना दे। सूरज किसी और ही सिम से निकल आएगा उस दिन। तो फिर मुइज़ कहाँ मिला तुम्हें? आज तो मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। कैंपस से निकली हूँ और मेरा जूता टूट गया। अल्लाह, इतना एम्बैरेसिंग था कैंपस से स्टॉप तक टूटी हुई जूती के साथ जाना। आपकी जिंदगी में तो कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही ना, तो आपको तो नहीं पता होगा कि ये क्या फीलिंग है। वैसे भी कोई बात नहीं है, हम शुरू से थोड़ी स्पंगले में रहते थे। ये तो अब आपका ना शुक्रापन है, और ना आपने जिंदगी में वो कुछ तो नहीं देखा ना जो मैंने देखा है। बहरहाल मोइस कहीं से आ गया था और उसने जबरदस्ती मुझे ये सब कुछ ले दिया। मैंने भी उसे उधार में ही लिया है, वापस लौटा दूंगी उसकी रकम। माही है? कभी कोई कमी रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। सबको सब कुछ मिलता हो या नहीं, मैं तो सब कुछ हासिल करके रहूंगी, ये मेरा खुद से वादा है।